Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. नमस्कार, आप देख रहे हैं खबरें अभी तक और मैं हूं आपके साथ नदीम अहमद। बढ़ते अगली खबर की ओर। बिहार में नई सरकार गठन होने के साथ ही अभी हफ्ते दिन भी नहीं हुए हैं कि बिहार में मंत्री अभी से विवादों के घेरे में आ गए हैं और इसकी वजह है नीतीश कुमार के नए नवीले शिक्षा मंत्री मेवालाल चौधरी पर। जब वो सबौर विश्वविद्यालय में वीसी थे तो उन पर भ्रष्टाचार के कई आरोप लगे थे। उन पर आरोप था कि उन्होंने असिस्टेंट प्रोफेसर भर्ती घोटाला में रुपयों के साथ हेर फेर किया है। इसके बाद से अब उनके बिहार के शिक्षा मंत्री बनाए जाने के बाद से उनका पुराना इतिहास बिहार के विपक्षी दलों ने खंगालना शुरू कर दिया है। खंगालने के साथ ही बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर अब इसी मुद्दे पर घेरने की कार्रवाई भी शुरू कर दी है। मेवालाल चौधरी बिहार के शिक्षा मंत्री बन गए हैं, लेकिन उनके पुराने कारनामों की वजह से आज वो चर्चा में है और ये चर्चा वो रास नहीं करते होंगे। बिहार में इनके जब से शिक्षा मंत्री बनाया गया है तब से बिहार में नीतीश कुमार की सरकार को विपक्षी घेर रहा है। घेरने की वजह उनके कई आरोप हैं। आरोपों में एक वीडियो ऐसा भी शेयर किया जा रहा है जिसमें वो राष्ट्रगान को ढंग से या यूं कहें कि याद नहीं किए। राष्ट्रगान एक विद्यालय के प्रांगण में जब झंडोत्तोलन का कार्य किया जा रहा था उस दौरान खुद मंत्री जी तब विधायक रहे होंगे या किसी पद पर आसीन होंगे, तब का ये वीडियो है और मंत्री जी राष्ट्रगान गाते हैं लेकिन उन्हें अपने देश का राष्ट्रगान ही याद नहीं है। ये वीडियो आप देखिए और इस वीडियो में आप अंदाजा लगाइए कि मंत्री जी कैसे हैं कि इनको राष्ट्रगान का ही ज्ञान नहीं है। और ये बिहार के शिक्षा मंत्री है जिनके ऊपर पूरे बिहार के बच्चों का भविष्य है। भाग्य दिखाता पंजाब बसंत गुजरात मराठा द्रविड़ उत्कल गंगा हिमाचल गाए गंगा उचल रंग जय हो जय हो जय हो। भारत माता की जय। भारत माता की जय। वंदे मातरम वंदे मातरम। और आपको बता दें कि कई ऐसे मसले भी हैं जिसकी वजह से बिहार सरकार इस वक्त घिरती नजर आ रही है। दूसरा सबसे बड़ा मुद्दा बना हुआ है वैशाली जिला। वैशाली जिले में एक लड़की के साथ हुए कई गंभीर वारदात के बाद से उसकी मौत हो गई, जिसके बाद से बिहार सरकार लगातार इस पूरे मसले पर घिरती नजर आ रही है। बिहार की सरकार ने इस पूरे मुद्दे को 15 दिनों तक छुपा रखा, जिसके बाद से विपक्ष भी लगातार हमला पर है। और यूं कहें कि पिछले दिनों जब से मुख्यमंत्री पद की शपथ लिए हैं नीतीश कुमार तब से उनके पीछे कई बड़े बड़े मुसीबतें पड़ चुकी हैं। देखना होगा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इन सबसे कैसे निपटते हैं। बिहार के नए नवेले शिक्षा मंत्री को लेकर के अभी घिरे हुए हैं और इसके बाद से भ्रष्टाचार में भी वो आरोपित हैं और दूसरी तरफ रेप की बात से मारने की घटनाओं का ये बड़ा घटना वैशाली से सामने आया है, जिसके बाद से इस वक्त बिहार सरकार घिरती नजर आ रही है। देखना होगा इस पूरे मसले पर बिहार सरकार क्या कदम उठाती है। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। सब्सक्राइब टू आवर YouTube चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द लेटेस्ट अपडेट्स।